ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब समय आ गया है अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर अपने अंतर मन में उठी हुई सभी दूषित वृत्तियों को समाप्त करने का। यदि समय भी कोई मनुष्य चूक गया तो वो कभी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि समय तो स्वयं भगवान हमारे गाइड बनकर आए हैं। वो हमें कदम कदम पर मार्ग दिखा रहे हैं, हमें शक्तियां भी दे रहे हैं। एक विशेष चीज जो संसार में सभी के अनुभवों में बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी कि सभी के अंदर बहुत दूषित वृत्तियां, कामुक वृत्तियां, निगेटिव फीलिंग्स और जन्म जन्म के विकर्मों का इफेक्ट इमर्ज होने लगा है। न चाहते भी अनेक व्यर्थ संकल्प मनुष्य को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं। बहुत सारी बढ़ती हुई बीमारियां और संबंधों में बढ़ते हुए अन्य से शरीर टकराव इस बात के द्योतक हैं कि अब सभी के हिसाब किताब चुकतू करने का समय समीप आ पहुंचा है। बाबा ने कभी कहा भी था, एक दिन आएगा तुम सब अनुभव करोगे सबके हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी बहुत तेजी से और सूक्ष्मता से काम करेगी। उस समय पर हम पहुंच गए हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है। एक ही शब्द हम आपको दे रहे हैं, नो इफेक्ट। कोई बुरा बोलता है, कोई इंसल्ट करता है, कोई आपकी भावनाओं को हर्ट करता है, उसे बहुत लाइटली लेना है, क्योंकि अगर आपने अपने अंदर में उसको रख लिया तो आपकी ब्रेन की अनेक शक्तियां डैमेज हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। इसका कारण यही है क्योंकि ब्रेन पहले ही सभी का बहुत वीक हो चुका है। जो आत्माएं बहुत पुरानी हैं, जिन्होंने अनेक जन्म लिए हैं, उनके मस्तिष्क काफी कमजोर स्थिति में हैं, इसलिए बहुत हल्का रहेंगे तो बातें भी हल्की होकर समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, स्वयं को ईश्वरीय खुशी से भरपूर रख कर चलना है। अगर हम स्वयं को रोज सवेरे चार्ज ही नहीं करेंगे योग से, श्रेष्ठ ज्ञान से, सुंदर संकल्पों से या स्वमान से, तो हम इस कलियुगी वातावरण में खुश नहीं रह पाएंगे। और यदि हम खुश नहीं रहेंगे तो अनेक निगेटिव बातों का इफेक्ट हमारे ऊपर आता रहेगा। तो हम समय की नाजुकता को पहचान कर स्वयं को खुशी से भरपूर करें। खुशी के कुछ बहुत सारे संकल्प अपने पास नोट रखा करें और बीच बीच में उनकी स्टडी करते रहें। साथ में बहुत हल्का रहना है। हम जानते हैं हल्का रहना संगठनों में आजकल सरल काम नहीं है, लेकिन जो आत्माएं स्वमान में बहुत रहती हैं, जो बाबा को अपना जिम्मेदार समझकर चलती हैं और जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहती हैं, वो दूसरों से मान सम्मान की कामना नहीं करती, दूसरे अप्रिशिएट करें इसकी कामना भी नहीं करती, इसलिए वो बहुत अच्छी स्थिति में रहती हैं। तो हमें फरिश्ता बनना है। ऐसे अभ्यास में हम रहेंगे, मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा हूँ और मेरा ये देह भी प्रकाश की देह में बदल गया है।
और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्तापूर्ण स्वतंत्र हूँ, बंधन मुक्त हूँ, उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ और बार बार उड़कर कहीं जाकर सकास देकर आएंगे। आज सारा दिन ये अभ्यास चलेगा। ओम शांति।